सो हेलो, वेलकम यू ऑल। आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर्स। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टाटा बीएसएल। तो ये टाटा स्टील बीएसएल का स्टॉक है, मेटल सेक्टर का स्टॉक है। आप देख सकते हो, इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक ट्रायंगल बनाया था जिसमें हम वेट कर रहे थे इसके ब्रेकआउट का, बट ना इसने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया और ना ही नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया, बल्कि इसने एक नीचे की ओर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। आप देख सकते हो, इस जगह पर भी हमने एक वीडियो बनाया था जब ये इस जगह पर ट्रेड कर रहा था। इस जगह पर इसने सपोर्ट लिया ऊपर की ओर, या ऊपर से इसे रिजेक्शन मिला, फिर एक जगह पर इसने फिर से इस जगह पर सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स कई बार इसने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। इसका मतलब ये है कि ये बुलिश हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। फिर यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी हमें बनते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बना दूँ या फिर एक सीधी लाइन बना दूँ तो आप देख सकते हो एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए हमें दिख रहा है। तो अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करता है, और हमें पता है कि ऊपर अगर फ्लैग पैटर्न बनता है तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलेगा और इसमें बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। सो ऊपर की ओर जैसे इसको ब्रेकआउट मिलता है तो जो इसका टारगेट था, हमने प्रीवियस वीडियो में भी लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट रखा है, तो इसका टारगेट 108 रुपये का वो ईजिली टच हो सकता है। तो अभी ये 95 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और ये सही टाइम है यहाँ पर बाय करने का यहाँ पर सही टाइम हमें दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर बाय करते हो तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है, लगभग 13 रुपये के आसपास आपको रिटर्न मिल सकता है, अच्छा खासा जा सकता है ऊपर। अभी 1 रुपये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पर ब्रेकआउट मिलते ही ऊपर की ओर जा सकता है। ज़्यादा इसके चांसेस नहीं है नीचे की ओर ब्रेकआउट देने की, क्योंकि कई बार इसने इस जगह पर सपोर्ट लिया है। सो गाइस, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टॉक सस्ता है। सो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।